गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 46वीं गाथा चलानी है। 45वीं गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि ये रागादि भाव उद्गलमय ही है। अब शिष्य का प्रश्न ये है कि आपने तो कह दिया कि पुद्गलमय ही हैं, लेकिन शास्त्रों में अनेक जगह इन्हें चैतन्य के भाव कहा है, तो ऐसा क्यों कहा? यद्यपि अद्यवसाना दया उद्गल स्वभावः तदा कथम जीवत्वेन सूचिता इति चेत, तो आगम में उन्हें जीव के रूप में सूचित क्यों किया गया? ये शिष्य का प्रश्न है। क्योंकि हमने वो बात के लिए जीव हैं ये माँ के पेट से हम सीख के नहीं आए थे, हमने शास्त्रों में पढ़कर के ही ये बात सीखी है कि जीव के चित विकार हैं। और आज आप कह रहे हो कि नहीं, ये बिल्कुल पुद्गल ही हैं, पुद्गल ही हैं। तो ये सवाल ये नहीं है कि ये पुद्गल हैं कि जीव हैं। हम कह रहे हैं पुद्गल ही हैं, आप कह ही रहे हो, तो फिर जीव क्यों कहा? ये प्रश्न है। वो उसी आगम में हमें कन्फ्यूजन खड़ा होता है। वो प्रश्न इस पर है कि नहीं है, इस पर नहीं है। आगम में कहा क्यों? असलियत में बात ऐसी है कि जैन दर्शन में नए प्रधानता से कथन होता है, और जब नए लगा दिया जाता है तो उसके साथ ही लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि ही के बिना दृढ़ता नहीं आती है। ही से साधारण लोगों को ऐसा लगता है कि अपर पक्ष है ही नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने जब ये लगा दिया कि निश्चय नए से, तो ये निश्चय नए से इसलिए ही लगाई है, बगैर ही लगाते ही नहीं तो निश्चय नए से भी लगाते क्या? लगाते या कुछ नहीं लगाते? तो वो कहते हैं कुछ नहीं लगाते तो दृढ़ता नहीं आती, ही लगाई जाती है दृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए, कि आपके अंदर में ये बात जम जाए कि ये हमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहे हैं, समझ लो बहुत पक्की कि ये जीव नहीं है, पुद्गल ही है। तो ही लगाना दृढ़ता के लिए जरूरी है। जैसा वो गुरु कुमार है ना, तो घड़े को बाहर से थाप लगाता है ऐसी ऐसी, तो कहते थाप लगाएंगे तो अंदर वो धस जाएगा, अभी तो गीली है मिट्टी, थाप क्यों लगाते हो? कि थाप लगाए के बिना वो और चौड़ा नहीं होगा, जितना चौड़ा हो चुका है ना उस पर, तो और चौड़ा करना है हमें, और ठोस भी करना है, वो अभी पोला पोला है, इसलिए ठोकर मारनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत करो, उसको ठोकर से वो अंदर ना चला जाए, इसके नीचे हम अंदर भी सहारा देने के लिए एक पत्थर हाथ में लेकर कुमार अंदर डालता है और ऊपर से ठोकर मारता है, दुनिया को ठोकर मारता दिखती है, वो अंदर हाथ लगाया है वो दिखता है। तो जब वे कहते ही लगाते हैं तो वो तो हमें दिखती है, और उन्हें पीछे निश्चय से लगा दिया, उस पर ध्यान नहीं जाता। निश्चय से लगा दिया तो कितनी ही लगाओ, छह ही लगा दो, ही तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसका अर्थ है वो एक अपेक्षा से ही ये बात है, समझे ना? तो ही दृढ़ता के लिए लगाते हैं और पीछे नए लगाते हैं। अभी आप कहीं देखेंगे इस समय सार में भी, यहां नए नहीं लगा है, गाथा में नहीं लगा है, टीका में भी नहीं लगा है, अमृतचंद की में, आप देख लेना, मैं पढ़ के नहीं बताता हूं, मुझे पर भरोसा कर लो, समझे ना? तो फिर एक क्यों, एक क्यों? तो कहते भैया तुमको पता नहीं है, नए अकेले नए नाम से नहीं लगाया जाता है, कि द्रव्यार्थक नए के निश्चय नए, हम इतने कह दें कि द्रव्य की अपेक्षा तो भी वो नए लग जाता है,
हम कहें एक पुत्र है, पिता की अपेक्षा। अब हमने निश्चय व्यवहार कुछ नहीं लगाया, लेकिन वो अपेक्षा बता दी तो नए लग गया। और कहीं कहीं कुछ नहीं लगाते हैं, साइलेंट होता है। तो उन्होंने लिखा है समंत भद्र ने कि हम साधवादी है ना, तो हम नहीं भी लगाएं तो समझ लेना हमारे हर वाक्य में नए लगा है। ऐसा मूल कार्य का है समंत भद्र की। समंत भद्र समझते हो क्या है? जैन न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य, जैन न्याय का आदि सबसे पहला आचार्य, उसके बाद में अकलंक आए, विद्यानंदी आए और अनेक आचार्य आए, लेकिन सबसे पहले स्तोत्र साहित्य के माध्यम से जैन न्याय को प्रस्तुत करने वाले आचार्य समंत भद्र हैं। उनने लिखा हम साधवादियों का नहीं भी लगा पाए तो चिंता नहीं करना, समझ लेना लगाई है। तो उनने कहा लगाई दो ना, कि भैया कई जगह जगह नहीं होती है, गाथाएं लिखती हैं, छंद होता है, छंद में गुंजाइश नहीं होती है, और भी कई बातें होती हैं। हर बात में ऐसा थोड़ी कहते ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी थोड़ी कहा जाता है, ये पिताजी हैं कहा जाता है। तो इसमें लगा है ना कि मेरे पिताजी, कि सबके पिताजी हो गए क्यों? बोलो लोक में होता क्या नहीं होता है, यहां तो जगह तो बहुत है, लेकिन हद ये मेरे मामा जी, ये मेरे मामा जी, कि कौन है मामा जी, यही बोला जाता है या नहीं? ये कौन है कि गुरुदेव, कि किसके गुरुदेव, ऐसी हर जगह नहीं लगाया जाता है। तो तुम क्या कह रहे हो, हम किसका माने? कि जो बोल रहा है उसका मानो, झगड़ा खत्म। एयरपोर्ट का रास्ता कौन सा है बोलो भाई, कि कहां से, ये तो तुमने पूछा ही नहीं, हम कहां से बताएं। यदि तुम्हें जोहरी बाजार से जाना हो तो अलग रास्ता है, आदर्श नगर से जाना है तो अलग रास्ता है, संगनगर से जाना है तो अलग रास्ता है, परंपरा से जाना है तो अलग रास्ता है। तो तुम बताओगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे बोलो? कि भैया नहीं बताएं तो तुम जहां हम खड़े हो, तुम खड़े हो वहां से समझ लो क्यों, हम यहां खड़े हो तुम और यहां खड़े हैं हम, और हम पूछ रहे एयरपोर्ट का रास्ता कौन सा है, तो अब यहीं से समझ लो। तो ऐसा कई जगह साइलेंट भी होता है। समंत भद्र कहते हैं हम साधवादियों के हर वाक्य में नय लगा ही है, ये समझना। इसलिए कहता हूं ये गाथा में लिखा है, जो टीका में लिखा ना, इन्हें कोई नय नहीं लगाया। पूछ लिया जो अपन ने पढ़ी थी ना, जो देखो क्या लिखा, पढ़ो जो ततो न ते चिद अन्वय विवेन आत्म स्वभाव किंतु पुद्गल स्वभाव, वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु पुद्गल स्वभाव है, कोई नया नहीं लगाया, नहीं लगाया ना टीका में संस्कृत में, और हिंदी में फिर जब अर्थ किया हमने किया दैतन जी ने किया तो उन्होंने लगा दिया नए। तो कोई कहता है नहीं नहीं इनके में तो है ही नहीं, सब आपने लगा दिया, इसमें तो है ही नहीं, मूल में तो है ही नहीं, हम तो संस्कृत पढ़े लिखे हैं, कि तुमने संस्कृत पढ़ के कौन सा पाप किया है, मूल में नहीं है और तुमने लगा दिया, इसलिए बात तुम्हारी प्रमाण, तुम प्रमाणिक नहीं हो। अरे भले आदमी, यदि हम नहीं लगाएं तो टीका काहे को लिखें, फिर टीका का तो मतलब ही ये है, वो अनुवाद है, अनुवाद और टीका का अंतर समझते हैं आप? पर वो भाषा का अनुवाद हमने नीचे कर दिया, वहां नहीं लगा है तो नीचे भी नहीं लगाएंगे, और टीका में वहां नए निकाल के बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो व्याकरण बताएंगे, फिर साथ में भावार्थ भी लिखेंगे और अपेक्षाएं बताएंगे, और उसकी पुष्टि के लिए और आगम का प्रमाण यदि जरूरत समझेंगे तो वो भी देंगे। हमारे गुरु जी थे पंडित मक्खन लाल जी, उनके पास हम पढ़ते थे, तो जब भी कोई ऐसा झगड़ा झंडा होता था, हम बहुत झगड़ालू प्रकृति के थे, विद्यालय में पढ़ते थे तब बहुत ही ज्यादा, तो जब कोई बात आती थी तो हम वो नियमावली निकाल के रखते थे विद्यालय की, ये नियमावली में ये नहीं लिखा है जो आप कह, जो आप ऑर्डर दे रहे हो ये नियमावली में नहीं लिखा है। तो वो कहते तो हमको यहां टेसू बना के बैठा है क्या? ये उनका परमानेंट वाक्य था, समझ रहे क्या इसका अर्थ, समझेगा नहीं टेसू, समझते हैं क्या होता है?
ये कोई होता है उधर ज्यादा चलता है तो बना के खिलौना सा बना के बैठा देते हैं। तो हमको यहाँ अधिकारी बना के बैठाया है तो अकेले नियमावली में जो लिखा है उसी के पालन करने के लिए नहीं बैठाया है। जो समय की आवश्यकता के अनुसार हम भी निर्णय कर सकते हैं और नया ऑर्डर आर्डर बुक में निकाल सकते हैं, तो आर्डर बुक भी नियमावली है। हम टीकाकार हैं। देखो मैं बताऊं इसका उदाहरण, धन कुमार जी बहुत मार्मिक, तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, प्रकरण है लेस्याओं वाला कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्या होती है। सूत्र दुई त्रिका पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्री शेषेशु, इसका अर्थ है कि दो स्वर्ग युगलों में पीत और तीन स्वर्ग युगलों में पद्म और शेष स्वर्ग युगलों में शुक्ल लेस्या होती है। अब उन्होंने सर्वा सिद्धि में राजवार्तक में अर्थ किया तो उन्होंने ऐसा किया, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत और तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत पद, ऐसे मिला मिला के ऐसा ऐसा अर्थ किया। सूत्र में तो ये लिखता ही नहीं, मुझे साफ लिखा चार स्वर्गों में पीत और तुम उसमें पद में भी ठोक रहे। तो उन्होंने कहा हम टीकाकार हैं, तो टीकाकार सूत्र में जो लिखा उसी को बताओगे कि और ज्यादा बताओगे। तो उन्होंने कहा हाँ, हम अन्य ग्रंथों से। कि अन्य ग्रंथों से क्यों बताओगे तुम? तो उन्होंने कहा कि जहां सामान्य कथन होता है संक्षेप में वहां ऐसा ही कहा जाता है, और जब उसकी डिटेल होती है तो उसमें ये सब बातें आती हैं, तो वो डिटेल में अन्य ग्रंथों में ये बात आती है। हम उन अन्य ग्रंथों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। उत्तम चंद जी ने बहुत अच्छी बात कही ना अभी कि भाई हमारे यहां प्रमाणिकता पूर्व पूर्व आचार्य के अनुसार है, हम क्या करेंगे बोलिए। यदि जयसेन और अमृतचंद में दो हमें मतभेद दिखाई दे, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, तो दोनों में क्या सही है ये निर्णय हम किस आधार पर करेंगे? इसलिए जयसेनाचार्य ने जहां जहां अलग अर्थ किया है वहां वहां अमृतचंद्र का अर्थ भी किया है। वो टीकाकार बोलते हैं उन्हें, वो कि टीकाकार का ऐसा ने ऐसा अर्थ किया है, और मैं मतलब उससे असहमत हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे विवेक में आता है कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी मैं एक गाथा सुनाऊंगा आपको कि जो एकदम उल्टा अर्थ भी वे प्रस्तुत करते हैं लेकिन मूल अर्थ को कायम करके जानते हैं। 11वीं गाथा, व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देश दो दि शुद्ध नयो। व्यवहार नय कहता है कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। ये अर्थ अमृतचंद्र ने किया, तो जयसेन कहते हैं ये अर्थ भी है, और वे कहते हैं एक अर्थ और मेरे ध्यान में आता है, पूर्व आचार्य के अर्थ को करके उससे सहमति व्यक्त करके, और दूसरे कहते हैं कि ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि व्यवहार नय भूतार्थ है और अभूतार्थ है, और निश्चय नय भूतार्थ है और अभूतार्थ है। दोनों क्या कहते हैं सब गुरुवार हो गया दो भूतार्थ है, दो भूतार्थ है। ये बात सबसे पहले मेरे ख्याल में कब आई कि मैं अशोक नगर में रहता था, वहां एक साड़ोरा गांव है, और वहां का एक वो होता है प्रदूषण के बाद में विमान जी निकलते हैं तो सब एक गांव के लोग जाते हैं, तो वहां पर वो विमान जी निकले थे, तो वो लाल बहादुर शास्त्री पहले गए होंगे, लाल बहादुर शास्त्री में प्रधानमंत्री नहीं, अपनी जैन समाज में एक लाल बहादुर शास्त्री थे जो गुरुदेव के कट्टर विरोधी थे, तो वो वहां क्या आए वो बता के कि देखो ये लिखा है, वो भूतार्थ भी होता है निश्चय और अभूतार्थ भी होता है और व्यवहार भी भूतार्थ होता है। तो उन लोगों ने हमसे आगे पूछा और उन्होंने किताब बताई जैसे उनकी निकाल के, ये सन 59 की बात है, 59 समझते हैं मतलब 60 में एक कम कर दो बस, 59 है ना, उनमें कम होता है ना, उसके बाद तो 60 शुरू हो जाते हैं,
तो तब की घटना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये जो आचार्य हैं उसका भाव, क्योंकि वो संक्षिप्त में सूत्र रूप में लिखते हैं मूल आचार्य, फिर टीकाकार उसके उसमें विस्तार करते हैं, वो नयों को बताते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा आचार्य ने नहीं लिखा तो उत्तर आचार्य ने लिखा तो वो अप्रमाण हो जाएगा, लेकिन उसको पूर्वाचार्य की प्रमाणिकता अधिक है। ये 100% सही है, ख्याल में आई ना, क्योंकि वो विस्तार तो करेंगे ही ना, टीका लिखेंगे तो विस्तार तो करेंगे ही ना। तो वो जो वो मूल में कहां से मिलेगा, हम उसको इसलिए इनकार कर दें कि ये मूल में नहीं है क्या, तो वो बात भी सही नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि वो टीका में उसके विस्तार को उन आचार्यों को, जैसे जितने प्रमाणिक हमारे कुंद कुंद हैं उसी कीमत के अमृतचंद हैं, जयसेन हैं, किसी की प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। इसके लिए मैं धवलाकार की एक पंक्ति आपको उद्धृत करना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक है, कि ये लिखा है कि स्त्रियाँ कितनी हैं, वो मनुष्य स्त्रियाँ, तो जवाब दिया त्रिगुणा सप्त गुणा वाह। क्या कहा कि जो अब आज तक सिद्ध हुए हैं ऐसी कुछ है था, उनसे त्रिगुणी अथवा सप्तगुणी, उनसे इतनी है स्त्रियां। तो शिष्य का गर्व हो गया, ये त्रिगुणी और सप्तगुणी में तो बहुत फर्क है, थोड़ी बहुत फर्क हो तो ठीक है, तो मैं क्या करूं। एक आचार्य लिखते हैं कि त्रिगुणी है और दूसरे आचार्य लिखते हैं सप्तगुणी है। जो तुमने बताया ना कि धबला के पहले बहुत टीकाएं लिखी गई थी, काय की सठगणना कम की, जिनका उल्लेख धबला में मिलता है और अभी दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी है, कि मैं नहीं कह सकता, मैंने तो दोनों आचार्यों के मत तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिए। तो फिर शिष्य कहता कि ठीक है, आपसे एक मैं प्रश्न करता हूं, बहुत प्राइवेट प्रश्न है, कि आपको कौन सा सच्चा लगता है, आपका मत तो होगा ना, थोड़ा आपका मत क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा करुणा योग में ऐसा नहीं चलता है, ये सब सर्वज्ञ कथित वाक्य है, और मेरे मुंह से ये आचार्य अप्रमाणिक हैं ऐसा नहीं निकल सकता, ऐसा कहने में मेरी जवान क्या कह रहे कट जाएगी, मैंने मैं अपनी जवान को काट दूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि ये आचार्य अपमान है। ये क्या कह रहे, जवान काट दूंगा, मैंने ये जवान काट दूंगा का मतलब ये है कि फिर मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, अब तुम हमारी गला पकड़ रहे, जवान पकड़े बताओ 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 बताओ, और बोलता हूं तो आचार्य का अपमान होता है ना, तो जवान काट दूंगा तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैंने मैं अपनी जवान काटना पसंद करूंगा, लेकिन एक किसी आचार्य को मैं अप्रमाणिक घोषित करने की मेरे में ताकत नहीं है, मैं तो दोनों का मत आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ये सर्वज्ञ कथित बात है और सम्मा दर्शन इसके बिना नहीं रुकेगा। यदि तुम त्रिगुणी मान ली तो भी नहीं रुकेगा, सप्तगुणी मान ली तो नहीं, कुछ नहीं माना तो भी नहीं, जाने ही नहीं कि वे स्त्रियां कितनी हैं, तो भी तुम्हारे सम्मा दर्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अप्रयोजन भूत बात में जो सर्वज्ञ कथित होती है उसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहिए। देखो ये बहुत मार्मिक बात है, ये अभी सैन फ्रांसिस्को एक नगर है, तुम जहाँ रहे बेटा प्रकाश, वहाँ पर एक मूर्ति प्रतिष्ठित करा कर और मंदिर में विराजमान कर दी, और दूसरे ग्रुप ने उस मूर्ति को मंदिर से उठा के अलग कर दिया। दिगंबर मूर्ति की बात है, घटना वहाँ घटी। अब वो झगड़ा चल रहा है, तो वो एक पक्ष कहता है कि एक ढंग से प्रतिष्ठित नहीं हुई, इसको सूर्य मंत्र दिया है तो योग्य आदमी ने नहीं दिया। अब आप समझे ना, अब मेरे सामने सब आए साहब दोनों पार्टियां कि साहब अब क्या करें क्या करें। मैंने पहले उनसे ये कहा कि देखो ये बात बिल्कुल बंद करो कि किसने क्या किया कैसे, ये प्रतिष्ठित होके आई है बस खत्म,
किसने की है, तो हर एक मूर्ति की बड़े जांच की जाएगी, किसने की है, उसने सही की है कि नहीं, किसने सूर्य मंत्र दिया था वो प्रमाणिक है कि नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है, कि वो ग्रस्त है कि मुनि है, कि नंगे होके दिया था कि नहीं दिया था, फिर एक कितना झगड़ा खड़ा होगा इसकी कल्पना आपको है। जो तो प्रेसिडेंट थे उनके घर पर बैठे मानसाथ देने पर, मैंने उन्हें समझाया कि भैया ये बताओ कि नाथूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य अपने सर्वमान्य प्रतिष्ठाचार्य थे और सोनगढ़ की सारी प्रतिष्ठाएं उनने कराई और एक में भी मुनि महाराज ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, तो उन सारी मूर्तियों को प्रतिष्ठित माने के नहीं माने। तो कुछ लोग ऐसे भी थे ना सोनगढ़ को कि मूर्तियां प्रतिष्ठित हो जाए तो उनको बहुत खुशी हो जाए। मैंने कहा 400 वर्ष तक 500 वर्ष तक कोई नन्हे दिगंबर मुनि रहा ही नहीं, हुआ क्या नहीं हुआ तुमसे नहीं, और उस काल में जो मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई उनका क्या करें। मानो भट्टारे जी ने एक नई बात चलाई कि आठवीं प्रतिमा वाले तक दे सकते हैं। जतीश भाई सुनो, माने दे ऐसा मानते हैं कि मैं आठवीं प्रतिमा से ऊपर हूं और एक एक घंटे में पूरा अपन कल्याण करा देते हैं। मैंने कहा भट्टारे जी ने कराए, मैंने देखे हैं, वे सब प्रमाणिक हैं, क्यों कृष्ण चंद खड़ा करते हो, एक तो दिमाग में से निकाल दो नहीं तो हरेक की जांच शुरू हो जाएगी, हरेक पे जांच आयोग बैठा दिया जाएगा। ख्याल में आई कि नहीं आई, और फिर एक एक मूर्ति की जांच होगी, क्या करोगे। ये बात तो तुम दिमाग में से निकाल दो, ये बात कभी उठाना नहीं। वहां अमेरिका में की होगी तो किसी व्यक्ति ने ही दी होगी, फिर कहता वो प्रतिष्ठाचार्य ने नहीं दी, फला आदमी ने दी, दूसरे का नाम बताते हैं। मैंने कहा जहाँ बहुत सैकड़ों मूर्तियाँ होती हैं और एक एक मूर्ति में मंत्र देने में 10-5 मिनट तो लगते ही हैं, तो महाराज होते हैं तो वो भी एक आध दो के ही देते हैं, बाकी को तो प्रतिष्ठाचार्य ही देते हैं, और प्रतिष्ठाचार्य भी इतने को कैसे दे सकते हैं, तो सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य होते हैं। अब ऐसे हो सब होता है। मैंने कहा देखो ये प्रश्न तुम अमेरिका में बैठ के ऐसे प्रश्न नहीं करो। ये मैं इस संदर्भ में यहां इसलिए कह रहा हूं कि शास्त्र के मामले में भी ऐसा प्रश्न नहीं करना, कोई जबान से नहीं लाना कि ये प्रमाणिक है अप्रमाणिक, दो मत मान लो, तुम मत मानो, लेकिन मतलब उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, फिर क्या दिक्कत है कि वो सामने वाला दूसरे पे करेगा, वो उस पे करेगा, वो कुंद कुंद पे करेगा, अमृतचंद पे करेगा, हम इन पे करें। अपनी जबान को इस मामले में नहीं खोलना, चुप रहना, जबान कट जाए तो भी, ख्याल में आई ना, क्यों कि हमने भले ही किसी ऐसे का नाम लिया है जो सचमुच हमको नहीं लगता है वो प्रमाणिक है, लेकिन फिर सामने वाला जो प्रमाणिक है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो अदालत में केस हर जगह खड़े हो जाएंगे ना। बस आगम प्रमाण है तो अपने प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत का रास्ता है ना, खत्म तो जी अप्रयोजन भूत विषय में क्यों माथा मारना, जितना है जान लो। अप्रयोजन भूत विषय में तो आचार्य कहते वो तो अनुभव से प्रमाण होगा, उन्होंने तुम्हें पहले अधिकार दे दिया है कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से प्रमाणित करना, और वो किसी से कहने की तो बात ही नहीं है, वो तो अपने खुद के लिए है, उससे कोई परंपरा बिगड़ने वाली नहीं है, तो प्रमाणित हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। आप समझिए ना, परंपरा तो तब बिगड़ती है जब हम इस तरह का प्रतिपादन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टीकाएं हैं, अमृतचंद की टीका है, उन्होंने बहुत कम नयों का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके वाक्यों में नए नहीं लगे हैं, समझे, जैसे ने हर वाक्य में नए का उल्लेख किया है, व्याकरण भी बताई उसकी, जो शब्द की व्युत्पत्ति भी बताई, इसमें ये सूत्र लगाओ, इस सूत्र से जे हो गया और जे हो गया, ठा प्रत्यय हो गया, जे हो गया, ऐसा लगता है लघु सिद्धांत कॉमेडी पढ़ाने लग गए, ख्याल में है ना। तो ये तो आवश्यकता है, हमें सब जानना है ना, हमको व्याकरण जानना है तो वो भी, पर नए जानना है तो वहां से देख लो, और सीधा जानना है यहां से देख लो, तो हमारे लिए तो ये सब चीजें अत्यंत उपयोगी हैं। अभी अपनी बातें चल रही थी कि कौन सी कहा था, 45 चली ना, 46वीं, हाँ देखो मैं पढ़ता हूं, ये सब अद्वसानादि भाव जीव हैं, सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ ने यह कहकर, अब देखो भगवान सर्वज्ञ ने कही है बात, यानी इनको जीव का, तुम कह रहे ये पुद्गल ही है, आचार्य खुद कह रहे,
शिष्य कह रहा है कि पुद्गल है तो जीव क्यों कहे आगम में, वो तो कहता आगम में, तो हम आगम समझते आचार्यों की लिखी बात, ऐसा समझते ना, ये बहुत भिन्न है। वो कहते सर्वज्ञ ने कहा, आगम का मतलब समझते हैं आप क्या है, आगम माने पहले से चली आई बात, बोलते पूर्व श्रुत, पहले से सुनी हुई बात। तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आई, फिर उनके गणधर ने सुनी, फिर उनके परंपरा सुनी हुई, इसलिए वो आगम, इसके लिए उसका नाम आग है। तो उसकी प्रमाणिकता सर्वज्ञ की वाणी से है, वो किसी भी आचार्य की वाणी से नहीं है। यदि आचार्य की वाणी से होती तो आचार्य क्यों लिखते हैं कि जिन्होंने भगवान ने ऐसा कहा। प्रमाणिकता का आधार सर्वज्ञ की वाणी है, ख्याल में है ना। तो अब जब वो ही है तो कुंद-कुंद से लेकर आज तक जो भी वक्ता है, यदि उसकी बात वो आगम से मिलान होती है तो वो प्रमाणिक है, और नहीं है उसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का आधार हम आचार्य सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे, इससे नहीं हो सकता है। तो कौन निर्णय करेगा अभी से बैठ करके यहां। तो इसलिए कहते हैं कि आगम में, तो उनका आगम का अर्थ है क्या कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। एक भगवान जो ये सब अदृशनादि भाव जीव हैं, भगवान सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार नय को भी बताया है, क्योंकि अभूतार्थ है और फिर भी जिनवाणी में बताया है। दरीशन शब्द है ना गाथा में, व्यवहारस्य दरीशन, मैंने व्यवहार नय का दर्शन प्रदर्शन किया है, व्यवहार नय का कैसा कथन है ये बताया है। क्योंकि मिलेच्छों के लिए मिलेच्छ भाषा के समान व्यवहार नय भी व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ का बताने वाला है। अभूतार्थ होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय भी दिखाया जाना भी न्याय संगत ही है, मैंने बताया है और न्याय संगत है, वो कोई गलत बात नहीं है। और ये मिलेच्छ की भाषा की आठवीं गाथा में बहुत विस्तार से अपन चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस गाथा में दो बातें बहुत मार्मिक हैं जिसके लिए ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है। पहली गाथा तो ये है, देखो मैं पढ़ता हूं अब, कि व्यवहार नय के नहीं बताए जाने पर, वो कहते हैं जिसमें ये परमार्थ है और फिर भगवान ने बताया है, अब भगवान पर भी कोई प्रश्न करे कि भगवान काय को इस चक्कर में पड़े, भगवान नहीं बताते तो क्या हो जाता। जैसे अपन कहते हैं कि नेमिनाथ भगवान को ये कहने की क्या जरूरत थी कि द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जल जाएगी। ये सुन के उस सभा में बैठे हुए किसी द्वारकावासी को हार्ट अटैक हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता। इतने समझदार तो आज के डॉक्टर लोग भी हैं कि उसे भयंकर कैंसर हो, थर्ड स्टेज पे पहुंच गया हो, तो मरीज को नहीं बताते हैं, कहते नहीं बिल्कुल ठीक है, दवाई लेना ठीक हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, उसे ऐसा कह के भेज देते हैं कि सब बिल्कुल ठीक आया है। और घर वालों को कहते हैं भैया थर्ड स्टेज पे पहुंच गया है, अब तो इनको ध्यान ध्यान में लगाओ, अब इसको ज्यादा हमारा बस की कुछ है नहीं, दवाइयां तो इसके लिए कि दर्द में ज्यादा ये दर्दनाशक दवाइयां हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, घर वालों को सब बता देते। इतनी समझदारी से काम तो डॉक्टर ने भी करते हैं, तो भगवान ने में इतनी समझदारी भी नहीं थी कि भगवान के बने तुम समझदारी का प्रश्न लगाते हो। अरे भाई उन्होंने जो ये बात कही इनकी दिव्य ध्वनि में आई तो उसका रिजल्ट तो देखो, तुम तो कल्पना के आधार पर कहते किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो, तुम तो कल्पना के आधार पर बात कर रहे हो, और हम कहते हैं कि उसी में लिखा है शास्त्र में, ऐसा सुनकर सैकड़ों लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली, हजारों लोगों ने अनुवेद धारण कर लिए, लिखा है पर देख लो रिजल्ट तो ही आया। तुम कहते क्यों कहा, तो वे जानते थे इसलिए रिजल्ट आएगा, ये कितनी संसार क्षण होकर बताते रहो, एक दिन मर जाना है, कल तक का ठिकाना नहीं है, सेवंती रही, लेकिन ऐसा हम तो रोज जाना कहते हैं, यहां से कोई घर जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्यों, लेकिन किसी पे कुछ असर पड़ता है, कुछ नहीं। वो 12 वर्ष की तो गारंटी है ना, 12 वर्ष तक जिंदा रहोगे तो भी
खलबली मच गई। दीक्षा लेने का भाव आ गया। इसलिए ऐसा प्रश्न मत करो कि भगवान ने ये व्यवहार ने क्यों बताया है, वो व्यवहार नहीं नए नहीं बताते तो क्या होता, ये आचार्य बता रहे हैं। व्यवहार नए नहीं बताए जाने पर परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार तिस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने पर भी, कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा, इसी कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। क्यों कहेंगे ये तो शरीर है, ये अजीब है, ये तो बिल्कुल अजीब है, और इसमें राग है वो भी अजीब है, सब अजीब है, तो फिर क्या करते कि जैसे भस्म को मसल देते हैं ना, ऐसा ऐसा इसको भी मसल दो। ये तिस जीव जो जा रहे हैं कीड़े मकोड़े, इन्हें मसल दो, क्या फर्क पड़ता है। गेहूं के साथ कंकड़ कंकड़ पिस गए, ऐसे ही गुण भी पिस गया, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो पुद्गल ही है ना। तुम शरीर को तुम पुद्गल कहते हैं, कहे वो आत्मा भी तो पिस जाएगा, कि आत्मा तो अमर है, वो चक्की के पार से मरता ही नहीं है, और पिसेगा तो पुद्गल है। ऐसा कह करके वो जो हिंसा तुष जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा से बचना चाहिए, वो ये व्यवहार नहीं बताते तो हिंसा का उससे बचना संभव नहीं था, और उससे जो बंध होता है ये नहीं बताते तो फिर जब हिंसा से बंध नहीं होता तो बंध तत्व का अभाव सिद्ध हो जाता। यदि व्यवहार नहीं बताते तो बंध तत्व सिद्ध नहीं होता। अब जरा पूरी बात कर लो, फिर और जरा विस्तार से बताऊंगा, अभी अगला और पढ़ लो जरा। दूसरी बात यह है कि परमात्म से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने पर, रागी द्वेषी जीव मोही जीव कर्म से बंधता है, अतः उसे छुड़ाना इस प्रकार के मोक्ष का उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाता। बंधते ही नहीं है, मोह राग द्वेष से जीव बनते ही नहीं है, तो बंधे का अभाव है तो मोक्ष का अभाव हो जाता। तो कहते हैं वहां हिंसा को वो नहीं बताते कौन, मन असद्भूत व्यवहार न, क्योंकि शरीर और आत्मा एक हैं, ये कौन से नए से हैं, असद्भूत व्यवहार न, और राग आत्मा का है ये कौन सा न है, सद्भूत व्यवहार न। तो कहते दो ही व्यवहार न है, यदि असद्भूत नहीं बताते तो बंध सिद्ध नहीं होता, और सद्भूत नहीं बताते तो मोक्ष सिद्ध नहीं होता, तो बंध और मोक्ष दोनों ही सिद्ध नहीं होते। क्यों, क्या निश्चय न से तो आत्मा बंधा ही नहीं है, तो बंधा ही नहीं है तो उसे मुक्त होने की जरूरत ही कहां है, वो तो समझ गए ना, वो तो बंध और मोक्ष से रहे थे। क्यों, तो कहते बंध और मोक्ष का अभाव सिद्ध हो जाता, तो बंध और मोक्ष का अभाव सिद्ध नहीं हो इसके लिए व्यवहार न बताया गया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। व्यवहार न के नहीं मानने पर कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता इसकी कल्पना आपको नहीं है। तृष जीवों को मारने में फिर हिंसा नहीं होती, जैन धर्म को तो अपना अहिंसा प्रधान धर्म है ना, खान पान में सारा अपना व्यवहार है, इसमें अनंत जीव है इसलिए नहीं खाना, आलू नहीं खाना, जीव है जीव है इसी तरह से है ना, और मोह राग द्वेष मत करो इसे बंद होता है, तो दो ही बात खत्म हो जाती। वो निश्चय न से तो ना आत्मा मोह राग द्वेष का करता है ही नहीं, वो तो ज्ञाता है। कर्ता के नाम अधिकार पढ़ूंगा तो मैं भी यही कहूंगा, घबराना नहीं, समझे ना, मैं कोई बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि उससे बंध और मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, और वो तो कहे बंध ना मोक्ष करे ही, भगवान आत्मा तो बंध मोक्ष का करता नहीं है, उससे भिन्न है। तो ये बताने के लिए अब मैं थोड़ा और विस्तार से आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको उसकी उपयोगिता ख्याल में आए। अब देखिए ये तो दो ही नए बताए यहां, कौन कौन से, सद्भूत और असद्भूत। अब एक एक के दो दो भेद और होते हैं, उपचरित और अनुचरित। अब देखिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव इनको अपना कहा जाता है, इनका कर्ता भोक्ता अपने को कहा जाता है, चार चीजें ख्याल में आई ना। तो कहते ये नहीं मानते तो क्या हो जाता, तो चरणान योग पे जीरो पे निशान लग जाता, क्योंकि अनुबित तो इसी के आधार पर है कि ये स्वस्त्री और ये परस्त्री, और जब कोई स्त्री अपनी है ही नहीं निश्चय से तो सब परस्त्री ही हो गई,
पर ही होगी, पर स्त्री के पर होगी। अब उसमें सौ और पर का भेद तो ये नहीं करता है, और अनुवृत में ब्रह्मचर्य अनुवृत होता है तो पर स्त्री का त्याग होता है, स्वस्त्री का ग्रहण होता है, परिक्रय प्रमाण अनुवृत नहीं होता, क्योंकि ये तो पर है ही, अपना है ही नहीं, तो मैं इतना रखूंगा इतना नहीं रखूंगा, ये इसमें मैं कहां कहां सवाल खड़ा होता है, इतना ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, चरणन योग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, प्रथमान योग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। क्यों? ऋषभ देव के कितने बेटे थे? क्योंकि मैं ये नहीं पूछा भगवान ऋषभ देव के, इसलिए जानबूझ के मैंने भगवान नहीं लगाया, ऋषभ देव का, राजा ऋषभ देव के। अब तो कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि तूने यहां पढ़ लिया है कि तो भगवान के तो बच्चे होते ही नहीं है, वो तो राजा ऋषभ देव के थे। क्यों? ये तो घोटा दिया आपको, बाल बोध पाठ माना हूं मैं। अब तो ठीक है ना, बोलो। अब ऋषभ देव के तो बता सकते हो कितने पुत्र थे? 101। अब बता दें, आपको चिंता नहीं है। अब वो कहते हैं कि यदि इस असद्भूत व्यवहार नये को नहीं मानते उपचरित को, तो कोई किसी का बेटा बाप होता ही नहीं है, यदि इसी नये से है ना, तो इस नये से फिर प्रथमान योग पर क्रॉस लग जाता। उसने लिखा ना ऋषभदेव के, राजा ऋषभदेव के दो रानियां थी, एक के 100 पुत्र थे, एक एक ये सब, तो ये सारा प्रथमान योग पर क्रॉस लग जाता। क्यों? अब एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, तो कर्म के उदय से ऐसा होता है, करुणा नहीं हो तो सारा इस पर ही खड़ा हुआ है, निमित्त निमित्त संबंध पे। क्यों? तो कोई निमित्त तो करता होता ही नहीं है निश्चय से, हैं? दूसरे देव का करता है ही नहीं, तो पूरे करुणा नहीं हो पे क्रॉस लग जाता। बोलो, समझ लो, इस तीन अनियोग, एक इस नये को नहीं मानते तो तीनों अनियोग गड़बड़ हो जाते, और उपचरित अनुपचरित, अनुपचरित माने शरीर को आत्मा को ये कहना, नहीं मानते तो ये उदाहरण दिया ही है, तो जीवों का घात को हिंसा नहीं होता, फिर तो ये कहते इस हाथ को तोड़ दो, कुछ नहीं है, जैसे डंडे को तोड़ा ऐसा हाथ को तोड़ा, क्या फर्क है, तो हिंसा का निषेध नहीं होता। जो आप समझ लो कितना कितना, यानी ये व्यवहार नए इतने साधारण नहीं है, भगवान साधारण बातों को नहीं कहते हैं, उन्होंने कहा भगवान ने कहा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें लगा भगवान ने कहा है, तो भगवान ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सब सबको खुश करने के लिए कह दिया होगा। क्यों? कि लोगों इनको भी थोड़ा सा हो जाए, संतलाल जी, इसका बहुत बड़ा आधार है। देखो, हम सब व्यवहार नए को हे कहते जाते हैं और फिर इन सब चीजों को मानते रहते हैं, तो इसका मतलब हमने व्यवहार नए को समझा ही नहीं है, क्योंकि ये जो जिनने व्यवहार नए ने अपना कहा था जिन्हें, तो व्यवहार नए तो हे हो गया, झूठा लाल हो गया, परिस्थिति तो अपनी है, और पैसा तो अपना है, और शरीर तो अपना है, अब क्या रहा, बोलिए, और राग तो अपना है, क्या झूठा हुआ व्यवहार न बेटा, प्रकाश समझ में आए कि नहीं आए? हम कैसे चिकने घड़े हैं कि बराबर इनको बिल्कुल ऐसी गालियां दें जो पाकिस्तान को दे रहे हो, गालियां, और उन जिस उस नए ने जिनको अपना कहा था उनमें पक्का अपनापन कायम है, उसमें रंजमात हिला भी नहीं है, विकल्प में भी नहीं हिला, उत्तम जी सोचो गंभीरता से, यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारा ये सब बाघ विलास नहीं है, बाघ विलास नहीं, अगर हम बचनों के पंडित आध्यात्मी हो गए, देखो मैं पढ़ता हूं, इस प्रकार यदि व्यवहार में नहीं बताया जाए तो बंध और मोक्ष दोनों का अभाव ठहरता है, तो सात तत्व नहीं बनेंगे, बोलो, तत्वासूत्र में भी प्रश्न चिन्ह, तो समय सार में भी प्रश्न चिन्ह, क्यों? भूयत्थे ना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच असव समर बंधर बंधो मोक्षो ये सम्मतम, जब ये है ही नहीं तो उनमें निश्चय न कहां से लगे, बोल, पहले उनका अस्तित्व हो तो इन्हें निश्चय नहीं से जानो कि व्यवहार नहीं से जानो, जब उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हुआ तो इसे निश्चय नहीं से जाने हुए, ये नौ तत्व सम्यक दर्शन है,
ये कैसे खड़ा होगा? मेरे कहने का मतलब ये है, सारा प्रतिपादन व्यवहार है। कलश टीका में लिखा है वचन मात्र व्यवहार है, लिखा क्या नहीं लिखा? तो पिछली गाथा में कह रहे हैं कि बिल्कुल पुद्गल है, जीव है ही नहीं। और ये बता रहे कि जीव जो सर्वज्ञ की वाणी में कहा है इन्हें, वहां तो अकेले रागादिक भाव के बारे में कही थी जतीश भाई, लेकिन उत्तर में तो शरीरादिक को भी ले लिया। देखो आप देखना जो बात में बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगी। उसने तो ये कहा था कि इनको आप चैतन्य के विकार नहीं आ, पुद्गल के विकार है, कौन रागादि मोहादि। तो प्रश्न तो अगले मोहादिक में है, अगले सद्भूत व्यवहार में लगता है, लेकिन इन्होंने देहादि की बात, मसल भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती, ऐसे त्रिश जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होती, ये असद्भूत व्यवहार का भी उदाहरण टीका में दे दिया। अब कहो क्यों, सब उन्होंने तो अकेला असद्भूत का कहा था, ये असद्भूत का क्यों दे दिया? ये टीकाकार को इतना अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि गाथा में नहीं है तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि टीकाकार टेसु नहीं है। टेसु मैंने अध्यात्म है, वो पुतला बना देते, वो दिवाली के दिन क्या दादा, दिवाली के दिन वो लकड़ी में ऐसा लगा करके ऊपर एक बिल्कुल ऐसा वो बना देते हैं, लगाते हैं, उसे टेसु बोलते हैं। वो बिजू का, एक बिजू का समझते हैं, तो हमें बिजू का समझते हो, बिजू का समझते क्या? ये खेत में किसान लोग ऐसा एक लकड़ी का बना के आदमी जैसा उसे कुर्ता पहना के ऐसा खड़ा कर देते हैं, उसे देख जा के पशु पक्षी आते नहीं है, उसे बिजू का बोलते हैं। तो हमें बिजू का समझते हो, तो हमें टेसु समझते हो। तो वो ये कहते हैं कि भाई उसका पूरा भाव हमने, गुरुदेव तो इतनी महिमा गाते थे कि अम्बे चंद्र नहीं होते तो सचमुच हम कुंद कुंद का भाव नहीं समझ सकते थे। मैं सैकड़ों गाथाओं पर ये सिद्ध करके बता सकता हूं, और ये बता नहीं सकता हूं, मैं खुद कह रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं उसका अर्थ नहीं निकाल सकता था। ऐसे गुरुदेव के भी सैकड़ों बता सकता हूं कि जो यदि गुरुदेव ने अर्थ निकाला है, यदि गुरुदेव से हमने नहीं पढ़ा होता तो हम सौ सिर के हो जाते, वो अर्थ नहीं निकाल पाते। गुरुदेव का जो अनंत उपकार अपन लोगों पर है, वो ये सबसे बड़ा उपकार ये है। और एक फिर मैं कहूंगा, वो कंटिन्यूटी 21 बार सभा में प्रवचन कर रहे हैं, सभा हमने देखी है उनकी, जब शिविर में जाते थे तो 200-400 आदमी से हमने शुरू किया था जाना, और अंत में 1600 आदमी थे, गिने थे हमने अंत में कि 1600 आदमी की गिनती की थी, अंतिम शिविर जा था और शुरू के में हम 200 थे इतने। लेकिन हम जब बीच में जाते थे जनवरी फरवरी में, क्योंकि किताबें लिखते थे तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, तो उसमें बस 20-25-30-40 आदमी से ज़्यादा कभी नहीं होते थे, और वो स्वाध्याय भवन में बैठे रहते थे, और 40 आदमी में 80% 60 बरस से ऊपर के, और जो सचमुच कुछ नहीं समझते थे, बस खत्म। और गुरुदेव को बहुत ये बात मालूम थी, लेकिन मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि उसके बाद भी इतनी बारीक बारीक बातें वे बताते रहते थे। राम जी भाई, खेम जी भाई, 2-4 लोग होंगे, मतलब समझते होंगे, हाँ अपन लोग पहुंचते थे तो उत्साह में आ जाते थे, हैं? और वो सब पुरानी जो उनकी महिमा वाली बातें थी वो निकाल निकाल के बता देते थे, जो साल भर में निकलती थी ना वो हमको 15 दिन में बता देते थे, ये बात क्यों क्यों खेस करते नहीं, है याद के नहीं है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो भाव, अब हम कहें गुरुदेव को निकालने का अधिकार नहीं है, और हर एक पे बहस करें कि तुमने यहां कैसे निकाला। अरे तेरे को मानना हो तो मान, नहीं मानना हो तो नहीं मान, ये हमारा गड़ा पकड़ने का अधिकार नहीं है, हमें कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि तू हमारी बात मान ले। मैं आपको बहुत पवित्र भाव से ये बात कहता हूं कि जो भी इसका मर्म समझेगा और बताएगा, उसके सामने यही प्रॉब्लम होगी और उसे वो ही रुख अख्तियार करना पड़ेगा पूज्य गुरुदेव श्री का, कि भैया तेरे को मानना हो तो मान, नहीं मानना हो तो नहीं मान, मेरा गला छोड़। मेरे को तो जो समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं, और तुझे हमें मूर्ख मानना है, जो भी मानना है ये मानना है, जो मानना है तू मान, तुझे समझना हो तो ये बात है,
यानी मैं ये बात इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं पर अगाध श्रद्धा रखे बिना जिन वाणी का मर्म हमारी समझ में नहीं आता, गुरुदेव का ही वाक्य है कि बातें तो शास्त्रों में लिखी हैं, उसका रहस्य ज्ञानियों के हृदय में होता है। इसलिए बार बार ये प्रश्न करना कि तुम निकाल के बताओ, वो जोड़नू छायक के मामले में बात आई थी कि गुरुदेव बोलते थे एक जोड़नू छायक सम्मा दर्शन होता है, लेकिन आगम में मैंने बहुत खोजा, मिला नहीं, इसलिए मैं कहता नहीं, ऐसा कहकर कहते थे। 200 बार हमने सुना कि भी जोड़नू छायक होता है कोई, और वो आगम में मैंने बहुत खोजा लेकिन कहीं मिला नहीं, इसलिए मैं कहता नहीं। माने कोई तुम मेरे से आगम का प्रमाण मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। समझ में आया ना? तो मैंने एक दफे कहा, गुरुदेव मैं आगम का प्रमाण आपको बताता हूं। तो उनको तो कितनी खुशी हुई होगी, मुझे कहना ना मालूम क्या क्या खोज के लाया, कहां से देख के लाया, मिल जाएगा। मैंने कहा महाराज ये बताओ कि ये गुण स्थानों का आवक जावक होती है, सम्य दृष्टियों की होती है ना। अन्ना जी बैठे कि नहीं बैठे? वो घर पर सुन रहे होंगे। अन्ना जी समझते मेरे प्रकाश से मेरा काम चलेगा। वो होता है 34 थाना होते हैं ना, तो आवक जावक होती है कि तो उपसम सम्यक दृष्टि जीव, क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव, यदि क्षयोपम सम्मा दर्शन छूटे तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो क्या मिथ्यात्मा भी जा सकता है, छायक सम्मा दृष्टि भी हो सकता है, लिखी कि नहीं लिखी? तो छायक सम्मा दृष्टि भी हो सकता है, तो जोड़नू छायक हो गया ना। जोड़नू छायक का मतलब है कि ये सम्यक दर्शन यद्यपि अभी क्षयोपम सम्मा दर्शन है, लेकिन ये जीव कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। कैसे आप कैसे कह सकते हो, क्षयोपम वाला तो हर जगह जाता है, पहले में भी जाता है। तो कहते जो जीव का हर एक का नक्की है कि ये छायक में जाएगा, तो उसको उस क्षयोपम सम्मा दर्शन को जोड़ दो छायक, माने जो छायक से जोड़ दे, तो बहुत आनंद आया गुरुदेव। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जब क्षयोपम सम्मा दृष्टि जीव छायक सम्मा दृष्टि सीधा डायरेक्ट हो सकता है और बीच में गैप नहीं आए, माने मिथ्यात्व में जाए बिना, तो छायक में जोड़ा ना उसने, जोड़नू छायक, जोड़नू छायक में जोड़े, यही तो इसका अर्थ है। हाँ ये बात तो है, आपके गले उतरती कि नहीं उतरती, ये वह जोड़नू छायक है कि नहीं, आगम का आधार है कि नहीं है, हम तो नहीं मानते। तो यार बात जो नहीं मानो, हम तो जो अपेक्षा है वो हमने आपको स्पष्ट कर दी, हमारे ख्याल में आई, अब नहीं मानो तो हम क्या करें? कोई हम डंडा लेके मनवा सकते हैं? तुम्हारा विवेक से विचार करो, विवेक में आ जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे अपनी वो कौन बनासी दास की भाषा है कि तूने मानी के नहीं मानी, मानी तो स्यावास और नहीं मानी तो भाग्य प्रमाण, ऐसा लग दिया। हम क्या करें? मैं देखा तेरे भाग्य में ये बात नानने जानने की नहीं है अभी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहता हूं देखो, इस प्रकार इस गाथा में अध्यवसन आदि भावों को व्यवहार से जीव कहने की उपयोगिता सिद्ध कर दी गई है। आचार्य देव ने 40वीं गाथा में अध्यवसन आदि भावों को जीव कहने की उपयोगिता बताकर शिष्यों को तो संतुष्ट कर दिया, पर अब शिष्य यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है कि जिसका यहां दिखाया जाना इतना आवश्यक था, किसी सरल सुबोध उदाहरण के माध्यम से समझाइए। ये बात वो जानना चाहते हैं, तो अगली गाथाओं में वो ये उदाहरण देंगे। कुंद कुंद की एक ये विशेषता है कि जब भी ये बात आई तो कौन सा व्यवहार, बोलो शांति, तो असदभूत उपचार असदभूत, इस भाषा में बात नहीं करते। तो किस भाषा में बात करते हैं? बोल पढ़ो। सेना सहित नरपति निकले,
अब देखो मैं ये बात बताता हूँ, कई बातें बाकी तो मैं कल करूँगा इसका अर्थ, लेकिन एक दो बातें बहुत मार्मिक हैं। क्या वो नए नहीं बताया उनने, नाम नहीं लिया उस नए का, ऐसा नहीं था उन्हें नयों का नाम याद नहीं था, ऐसा मैं समझ लेना वो बर्बाद हो जाएगा ये। कि सेना सहित नरपति उदाहरण दे के बता देते, तो ये बहुत साधारण बात है। उन्हें प्राकृत भाषा में क्यों लिखा, प्राकृत भाषा माने जन भाषा, क्यों? देखो कि एक अगर मेरा बेटा, मेरे बच्चे को एक बुशर्ट चाहिए, दुकानदार से किसी ग्राहक ने कहा, जरा समझना, तो दुकानदार ने पूछा कि तेरा बेटा कितना बड़ा है, क्यों, क्या उम्र है उसकी, कि साहब ये तो मैं नहीं जानता, तुझे इतना पता नहीं तेरा बेटा 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 50 वर्ष का है। हाँ एक बात याद है कि क्या, कि जब वोट पड़े थे ना तो उसकी मम्मी वोट डालने गई थी, उन्हीं पेट में दर्द हो गया था। अब मैं कैसे निर्णय करूं, वोट 52 में पड़े, 57 में पड़े, 62 में पड़े, 67 में पड़े, 72 में पड़े, क्यों, 77 में पड़े, 89 में पड़े, 94, 93 पड़े, 99, अब कौन से कितना मानूं, 5 वर्ष का भी हो सकता है और 50 वर्ष का भी हो सकता है, क्यों 50 वर्ष पहले भी वोट पड़े थे कि अब ये नहीं बता सकता, क्यों, क्या वो वर्षों में जानता नहीं, ऐसा पता कितने फुट का होगा, वो फुटों में नहीं जानता, तो क्या आप, मैं बताऊं कैसा लेमैन, कैसा लेमैन है। अब दुकानदार को बुशर्ट तो बेचनी है, क्योंकि यदि वो बच्चे को बुशर्ट नहीं देगा तो अब एक बुशर्ट नहीं बिकती है, तो बैठो 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 बीड़ी पियो, बीड़ी पिलाने की दुकान खोली है, बैठा लिया, फिर एक लड़का निकला सामने से तो कहा इतना है, नहीं नहीं इससे कुछ छोटा, ठीक है ठीक है, दूसरा निकला इतना कि नहीं इससे कुछ बड़ा, थोड़ा अंदाज लग गया कि नहीं, फिर तीसरा निकला कि इतना कि हाँ इतना लेकिन इससे कुछ मोटा, चौथा निकला गोल मटोल कि इतना इससे कुछ पतला, कि 8 नंबर की ले जा आखिर काम तो चलता है ना। मैंने ऐसे आदमी को भी बात समझाई जा सकती है और उसकी बात भी समझी जा सकती है, अब उसे कहते इतने फुट में, इतने इंच, इतने मीटर, क्यों, मैं सारे गणित बताते, इतने का भाग इतने में दो दे, इतना 3/5 फुट तो क्या होता, नहीं समझ सकता था। तो कुंदकुंदाचार्य ने ऐसे शिष्य को भी ध्यान में रखा कि उसे कोई नए नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस कह दिया गया कि राजा सेना सहित निकला था, तो कहा ये कौन निकल रहा, इतनी आवाज कहां से आई, कि राजा निकल रहा, तो कहते सेना लाख हजारों की भीड़ में राजा तो एक है, लेकिन वो सारी सेना में जैसे राजा का व्यवहार होता है, ऐसे ही ये जो रागादिक है, ये शरीर आदिक है, ये असंग परमाणु अनंत परमाणु पुद्गल के हैं, और एक आत्मा है, और उसको जीव कह दिया उतने परिकर को, तो उसमें जीव तो एक ही है, लेकिन उतने परिकर को जीव कह दिया, जैसे वो व्यवहार है ऐसा ये व्यवहार है, आया समझे। अब देखो थोड़ी सी और बारीक बात, मैंने कहा था कि उसमें तो मोह रागादिक की बात प्रश्न उठाया था कि मोह रागादिक जीव के कहे शास्त्र में, जीव के कहे कई जगह, और तुम मुझे पुद्गल कह रहे हो, कितना क्लियर प्रश्न था। तो इन्होंने टीका में ये पुद्गल त्रिस जीव मन शरीर, शरीर वाला आत्मा ऐसा क्यों ले लिया, ये कीड़े मसल है ना, उन कीड़ों को जीव कहते हैं ना जो मसल देने पर हिंसा होगी, वो कैसे ले लिया अमित चंद को, तो ये इन गाथाओं में से ले लिया, नहीं आया समझ में, बोल बोल बता विपिन क्या समझ में आया, हमेशा आया ख्याल में, अभी मैं और खुलासा करूंगा, चिंता मत करो।
क्योंकि आगे उदाहरण जो दिया उनने वो उपचार का सदगुरु विभाग ने कह दिया, पंडित समझ नहीं ना, उदाहरण रागादिक का नहीं दिया, देहादिक का दिया। नरपति और सेना के बीच में एक राजा है, ये असद्भूत व्यवहार में है, ये सद्भूत व्यवहार में नहीं है। तो गाथा में तो सद्भूत व्यवहार में का जवाब दे रहे हैं, उदाहरण असद्भूत व्यवहार में का दिया। इन लोगों ने सद्भूत असद्भूत का भेद किया ही नहीं, मतलब व्यवहार में की बात है बस, इतनी सी बात कह के उन्हें दोनों ही व्यवहार खोल दिए। कौन कौन से? सद्भूत असद्भूत। और अभी अभी हम मैं करूं तो मैं चारों खोल दूंगा। उपचरित सद्भूत उपचर सद्भूत खोल ही दिए ना, बता ही दिए ना चारों। ये सब टीका है, इसमें क्या है? मतलब वो बात वो उस मूल अवनाय के विरुद्ध नहीं है, कि इसके विरुद्ध भी नहीं है, और जो जनागम में जितना कथन है उसके विरुद्ध भी नहीं है। अंदर तुम्हारे बबलू को समझ में आता है कि नहीं? क्यों एम्बे समझ में आता है? जितना उपयोग उधर लगाते हो उतना इसमें लगाओगे तो सब समझ में आएगा। उपयोग में कोई कमी नहीं है, सब हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। सिर्फ उपयोग की एकाग्रता की, और उपयोग कब लगेगा? जब रस आएगा उसमें हमें। जब तक रस नहीं आएगा तब तक उपयोग नहीं लग सकता है। ये ही मार्ग है सुखी होने का। एक हो तृण काल में, ये हमारे अंदर में पक्की श्रद्धा होगी तो ये काम होगा। और इसमें ही, अरे गुरुदेव पागल थे जो उन्होंने 19 बार तक सभा में पढ़ा, और वो खुद ही बोलते थे अंतर में तो हजारों बार, जो कहते देख साहब गप मारते हैं, हजारों बार कैसे हो सकता है? क्यों लगाओ एक दफे पढ़ने में एक साल ही लगे होगा, तो हजार साल तुमके पास कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ गणित लगाओ जरा, प्रकाश समझ में आएगा नहीं? तू गणित का विद्वान है। अरे भाई हजारों बार पढ़ा तो मान लो 40-45 साल उन्होंने पढ़ा, तो 45 साल में हजार बार पढ़ने के लिए वो तो हजारों है, हजार नहीं हजार ही गिनो, तो कितने दिन में एक दफे पढ़ना चाहिए? उतने दिन में पढ़ ही नहीं जाया जा सकता, तो फिर झूठ हो गया। अरे मैं अब भी हाल आपको 2 मिनट में समय सार पढ़ के बता सकता हूं पूरा, तो त्वासूत्र पूरा बता सकता हूं दो समय में पढ़कर, उसकी विषय वस्तु हमारे पूरे ख्याल में आ जाए। प्रमाण क्या है, नय क्या, समर्थन क्या, चारित्र क्या, जीव के भेद क्या, उपयोग लक्षण जीव है, नय ये है, प्रमाण ये है, और जीव के भेद ये है, साफ नरक साफ सुरक, एक दसवें अध्याय खत्म हो गया, तत्वासी पूरा हो गया। क्यों? ये 29 प्रकार के भाव हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, 144 कथा है पूरी। पुण्य पाप में भले बुरे का भेद करना कोई अच्छी बात नहीं है, 20 कथाएं गई। तो 2 मिनट ऐसा पढ़ा जाता है? हाँ, तो शास्त्र का प्रमाण दूं? दे देता हूं, प्रमाण दे देता हूं। वो जो कहते हैं ना जो सोधर्म इंद्र है कि कोई वो अंतर मुहूर्त में द्वादश अंग का पाठ कर लेते हैं, कैसे करते होंगे? तो ये गप होगी है क्या? नहीं सुनी क्या? नहीं, द्वादश अंग का पाठ 48 मिनट के भीतर कर लेते हैं, कैसे करते होंगे? ऐसे करते होंगे जैसे मैं करता हूं, ऐसे गुरुदेव ने हजारों बार लाखों बार भी पढ़ लिया होगा। पूरी विषय वस्तु ख्याल में आई। मैं बता ना, ये मैं सब बोलता हूं, मैंने इसका खूब किया है अध्ययन। आप मेरे से 1 घंटे में पूरा समय सार सुन सकते हैं, आप 10 घंटे में सुन सकते हैं, 100 घंटे में सुन सकते हैं, 1000 घंटे में सुन सकते हैं, 10,000 घंटे में भी समय सार पढ़ सकता हूं। मुझे नहीं क्या है, पूरी विषय वस्तु ख्याल में किसको कितना विस्तार देना। अभी इस गाथा में 3 दिन चला सकता हूं। क्यों? क्यों? कि वो चारों प्रकार के व्यवहार समझाऊं मैं आपको, बस समझे ना? कौन सा उपचय का सद्भूत, अनुपचय का सद्भूत, उसकी उपयोगिता, उसका लाभ, उसकी हानि, उसका फिर उसका हे पना, उसका उपाधेय पना, 3 दिन तक चलेगा? नहीं चलाऊंगा। और मुझे 49 मिनट गाथा पर जल्दी से जल्दी पहुंचना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं।